अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज हम बनाएंगे कोकनी चिकन शिकोरी सालन। माशाल्लाह बहुत ही खाने में लाजवाब लगता है। हम हमेशा ही चिकन का सालन बनाते हैं। इस तरह का बना के देखिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। चलिए फिर बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी। सबसे पहले देखिए, मैंने आधा किलो चिकन को अच्छे से धोके इसका पूरा पानी निकाल ली हूँ। अभी हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 मैंने हरी मिर्च को मिक्सर के जार में पेस्ट बना के ले ली हूँ। आप तीखे के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डाल देंगे हम, नमक जो है हमें टेस्ट के हिसाब से डालना है। 1 चम्मच हम डाल देंगे तेल। अभी हम इसे हाथ की मदद से अच्छे से मिला के ले लेंगे। देखिए मैंने इसे अच्छे से मसालों को चिकन में अच्छे से लगा के ले ली हूँ। अभी हम इसे रेस्ट के लिए रख देंगे, तब तक हम इसकी आगे की प्रोसेस कर लेंगे पूरी। अभी मैंने कढ़ाई ले ली हूँ, कढ़ाई में डाल देंगे तेल। तेल में हम खड़े गरम मसाले का इस्तेमाल करेंगे। अभी मैंने ले ली स्टार, एक बड़ी इलायची ले ली है, 2 तेज़पत्ते ले लेना है, 1 बड़ा दालचीनी का टुकड़ा ले लेंगे, 4 से 5 मैंने लवंग ले ली हूँ, 10 से 12 हम ले लेंगे काली मिरी, 1 चम्मच ले लेंगे हम जीरा। अभी हम इसे तेल में छोड़ देंगे। अभी अच्छे से हमें इसे तेल में अच्छे से तड़कने देना है। जब ये मसाले खड़े गरम मसाले अच्छे से तड़क जाएंगे, तब हम इसमें डाल देंगे प्याज। मैंने 3 बड़े साइज़ की प्याज को लंबी लंबी कटिंग करके इस तरह से इसमें हम डाल देंगे। अभी अच्छे से हमें इसे तेल में फ्राई करके ले लेना है। देखिए इस तरह से इसे कलर आने तक हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। हमें ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, नॉर्मल इसका कलर चेंज करके ले लेना है। देखिए माशाल्लाह, देखिए जब इस तरह का कलर आ जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे। मैंने 3 टमाटर को मिक्सर के जार में पेस्ट करके ले ली हूँ, ये वाला इसमें हम डाल के भी इसे अच्छे से इसे भी फ्राई करके ले लेंगे। एक से दो मिनट के लिए हम इसे अच्छे से फ्राई करके ले लेना है। देखिए मैं इसे बार बार हम इसे चम्मच से फ्राई करके ले लेंगे। अभी हम इसमें सूखे मसाले इसमें डाल देंगे। अभी देखिए मैंने इसमें ले ली हूँ 1.5 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हम ले लेंगे हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच हम ले लेंगे जीरा पाउडर, 1 चम्मच हम भर के ले लेंगे धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच से भी कम हम इसमें ले लेंगे गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच हम ले लेंगे बड़ी शॉप का पाउडर। आप इसमें डालिएगा ज़रूर, माशाल्लाह इससे टेस्ट जो है ना बहुत ही बढ़िया आता है। और लाल मिर्च पाउडर और जो मसाले हैं वो आपके टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। ये भी हम अच्छे से इसमें मिला के ले लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसमें कोकनी मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी माशाल्लाह इसमें जो टेस्ट है ना और बढ़ जाता है। अभी हम इसे अच्छे से फ्राई करने के बाद में इसमें हम डाल देंगे 1.5 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी हम अच्छे से मिला के ले लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसे अच्छे से इसमें फ्राई करके ले लेना है। माशाल्लाह देखिए काफ़ी तेल भी छूट चुका है, मसाला भी जो है हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। ये भी हम अच्छे से भी इसे मिलाने के बाद में अब हम इसमें डाल देंगे चिकन, जो हमने मसाला लगा के रखे थे पहले वो वाला इसमें डाल देंगे। ये भी हम अच्छे से मिला के ले लेंगे। देखिए हम इसे अच्छे से मिला के ले लेना है। नमक डाल देंगे, नमक जो है हमें देख के डालना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी नमक पहले चिकन में भी डाले थे, इसलिए हम देख के नमक इस्तेमाल करेंगे। अभी हम इसे अच्छे से मिला के ले लेंगे। जब मिला लेंगे तब हम इसमें 1 गिलास भर के इसमें पानी ऐड करके ले लेंगे। अभी हम इसे मिलाने के बाद में ढक्कन ढक के कम से कम इसे हम 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह देखिए कितना काफ़ी इसमें पानी छूट चुका है चिकन का, टमाटर का, देखिए कितना इसमें पानी छूट चुका है। और हमने 1 गिलास भर के इसमें पानी भी डाले थे। जब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे तब हम इसमें, मैंने देखिए 5 से 6 मैंने काजू को इसमें 1 कप भर पानी डाल के इसे मिक्सर के जार में इसका पेस्ट बना के ले ली थी। आप इसमें डालिएगा ज़रूर, माशाल्लाह इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है शिकोरी सालन में। ये काजू का जो पेस्ट है ना, इससे ज़रा टेस्ट जो है ना बहुत ही बढ़ जाता है। अभी हम इसे और 5 मिनट के लिए पकने के लिए मैंने छोड़ दी थी ढक्कन ढक के।
फिर से मैंने इसे निकालने के बाद में मैंने फिर से इसमें एक गिलास भर के पानी गर्म करने के लिए रख दी थी। ठंडे पानी का बिल्कुल भी हमें इस्तेमाल नहीं करना है, इसका जो टेस्ट है पूरा बिगड़ जाता है। इसलिए एक गिलास भर के आप इसमें पानी डाल दीजिएगा, गर्म पानी। अभी हम इसे पकने के लिए फिर से छोड़ देंगे। जब तक चिकन पक नहीं जाता तब तक हम इसे अच्छे से पका के ले लेंगे। मैंने फिर से इसे 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दी थी। ये देखिए माशाल्लाह ये अच्छे से बन चुका है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके बना के देखिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले रेसिपी के साथ में। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।